हुसैनी गम का नुमाइंदा आरएमएस चैनल मिसाले शम्स है ताबिंदा आरएमएस चैनल सदाए सहरा ये पहुंचा रहा है घर घर में हजारों साल रहे जिंदा आरएमएस चैनल हो पाओ जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है हो पाओ जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है वादा निभाने के लिए जी को बचाने के लिए वादा निभाने के लिए जी को बचाने के लिए वादा निभाने के लिए जी को बचाने के लिए जौरा हुसैन टेकरी के लिए रवाना हो रहा है। आइए जानते हैं इस काफिले की मजीद तफसीलात इस कारवान के सालार जनाब अहमद अली साहब से। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीर अहमद अली सर। ये काफिले का नाम क्या है जो काफिले से रवाना हो रहे हैं? हम लोग हमेशा जो है कारवान इमाम रजा के नाम से जाते हैं। कारवान इमाम कारवान इमाम रजा के नाम से। टोटल कितने लोग जा रहे हैं सर काफिले? 78 मेंबर्स है। 78 मेंबर्स होता है। क्या हदिया लिया जा रहा है लोग? हम लोग हदिया नहीं लेते हर साल सर। इसके पीछे खास वजह आप? खास वजह ये है मेरी जी हम लोग जो है मैं ईरान इराक सीरिया जो है कम से कम जो है 15-16 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ। हमारे को छोड़ने के लिए लोग आते थे यहाँ पर। हम जब भी डिसाइड करेंगे लोग कम से कम जो है हम लोग बराबर कंटिन्यू जो है इतने दूर के मुकाम को ज्यारतों को जा रहे हैं कम से कम हम लोग जो है इन्हें छोड़ने के वास्ते आते हैं। जब भी मायूस होके जाते हैं तो हम एक प्रोग्राम बनाए हैं मैं मेरा लड़का शब्बीर अली ये प्रोग्राम बना के हर साल की तरह इस साल भी जो है ईरान इराक तो नहीं जा सके इस साल हम लोग झगड़ों की वजह से तो हम लोग जो है आज से ये सातवां साल है मेरा। 6 साल पहले एक प्रोग्राम करे थे हम लोग स्टार्टिंग जो है 50 आदमी थे पहले साल उसके बाद में जो है 72 हुए 72 से अब जाके जो है करीब करीब 100 आदमी की तारीफ हुई। इसके पीछे आपको कोई फंड चाहता या कोई आपको मदद करता है? नहीं सर कोई फंड नहीं आता। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ माशाल्लाह मेरे किराए आते मेरा लड़का खुद दुबई में है और मेरे को कोई एक पैसे का फंड नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम जो है खिदमत करते हैं बस मोमिनीन को ज़ियारत कराना और हमारे लिए जो है दुआ करना सेहत के वास्ते बस उनसे हर एक से यही अपील है कि दुआ करें। आप कुछ खाने के लिए या कुछ भी फाउंडेशन चार्जेस के आप लेते हैं? नहीं एक पैसा भी नहीं फ्री टोटल फ्री पूरा अलावे सरतों से वापस अलावे सरतों का आए सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। हम लोग जो है 20 तारीख को रिटर्न आएंगे 20 तारीख तक ये सारे लोग मेरे साथ रहेंगे खाना पीना रहना जो है सारी जिम्मेदारी हमारी है। मोहम्मद मोहसिन जो है आज नहीं अब से नहीं हमारे साथ जो है 6वां साल है उनका भी। इससे पहले जो है एक अली करके मोर्ची थे वो चलते थे अब मोहसिन चल रहे हैं 6 साल से माशाल्लाह से मोहसिन अच्छी खिदमत करते हैं और मगर हदी है कि उन्होंने जो है ये खिदमत गुजारते हैं हमारे से जो हो सकता है उनको दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा यानी आइंदा कितने साल तक आप ये सिलसिला जारी रखेंगे? सर ये तो मैं बता नहीं सकता इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी तक तो ये बाकी रहेगा मेरी ज़िंदगी के बाद मेरा लड़का लेके जाएगा ले जाएगा हम तो उनको वसीयत कर रहे हैं कि लेके जाना लेकिन उनके ऊपर है अब डिपेंड लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे। हर साल कौन से महीने में निकलता ग्रुप? हमारा ग्रुप जो है हमारा ग्रुप जो है नवम्बर में ऐलान करते हैं हम लोग और आधार कार्ड फोटोज मांग लेते हैं आधार कार्ड फोटो देने के बाद टिकट करा देते हैं उसके बाद जो है 3 महीने के बाद ग्रुप निकलता है। अब के ट्रेना बंद होने की तरफ से बहुत पब्लिक होने की तरफ से 2 ग्रुप है अब फरवरी में जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरे ग्रुप के लिए कोई बुकिंग आपके पास करवा सकते? जी बिल्कुल करा सकते हैं आधार कार्ड 2 फोटो हमें देना आधार कार्ड के 2 फोटो ये देने की लास्ट डेट कब है अगर में जाना बस 72 मेंबर्स के बाद मैं नहीं लेता साहब अभी भी दे दिए तो हम लोग उनकी टिकट करा दे सकते इससे पहले हमारे मोहम्मद मोहसिन जो है कंटिन्यू है हमारे साथ पकाने के लिए मोहम्मद मोहसिन भाई
आपका नाम बताइए। कितने साल से जा रहे हैं आप इस काफिले? छठवां साल। तो आप क्या हदिया देते इसमें जाने के लिए? कैसा रहता है काफिले में इंतजाम खाने का, रहने का? लोग जाते हैं ज़ियारत कर लेते हैं, आते हैं फिर टेंट तक तैयार कर रहे हैं। खाने में इसमें ट्रैवलिंग में कुछ किस्म की आप नहीं, 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 सब राशन पानी दे रहे हैं। सब राशन पानी दे रहे हैं। छः साल से जा रहे हैं आप, जब से शुरू हुआ जब से जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो ब्रजो में रहेगा उसमें भी आप बचाने के लिए कांटों पे जो चलता रहे, कांटों पे जो चलता रहे, कांटों पे जो चलता रहे, ऐसा मुसाफिर कौन है? पांव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है? हो पाँव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है? हर गांव जिसको बेखता दुर्रे लगाए अशकिया। उसमें 130-140 मेंबर्स हो जा रहे हैं।
आप दूसरे मोमिन मोमिनात को क्या बताएंगे? आप मतलब किसी को अगर आना चाहे तो क्या आना चाह रहे हैं तो आ सकते हर मौसम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सफर है, बहुत अच्छे तरीके से ले आते आराम से। अपन गए भी तो अपने को थी तकलीफ होती होगी, मगर थोड़ी जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से ले आते। मतलब पैसा देके गए तो जैसे सर्विस और जैसा? नहीं नहीं, पैसा देके गए भी तो, पैसा देके गए भी तो तकलीफ उठाना पड़ता अपने को, अपना सामान अपन उठाना, पानी के वास्ते दौड़ना, खाने के वास्ते दौड़ना। आपको कुछ फर्क महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल बोल रही ना मैं, वही तो बोल रही हूँ मैं कि अहमद भाई के साथ है तो उनको कोई चीज का पानी भी है तो अहमद भाई खरीद के हमको दे। अब पानी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। हम मोमिनों के वास्ते शुक्रिया। खुदा का वास्ता है करबला तू ही बता, तुझको खुदा का वास्ता है करबला तू ही बता, गुर्बत में जिसका घर लुटा, गुर्बत में जिसका घर लुटा, गुर्बत में जिसका घर लुटा, ऐसा मुसाफिर कौन है? पांव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है? हो पांव जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है? आज घर की याद में याद में राज घर की याद में अपने पिदर की याद में, राज घर की याद में अपने पिदर की याद में, ताजिंदगी रोता रहे, ताजिंदगी रोता रहे, ताजिंदगी रोता रहे, ऐसा मुसाफिर कौन है?